राज्य के सभी भाई बहन, मेरे राष्ट्र के सभी भाई बहन और दुनिया के सभी भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम, जय सियाराम। कल से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। देश और दुनिया में एक बहुत बड़ी विपत्ति से हम सब घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक साधु के नाते आप सबको 5 मिनट मुझे संवाद करना है। दुनिया के विशेषज्ञ, हमारे देश के हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान मोदी साहब, पूरी सरकार, राज्यों के सभी मुख्यमंत्री श्रीओ, गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभी जिले के प्रशासकगण, सभी जो जो इस विषम परिस्थिति में हमें सूचना देते हैं, संयम रखने की हृदय से अपील करते हैं, हम सब उसका जवाबदारी पूर्वक और बहुत गंभीरता से पालन करें। ऐसी पुनः एक बार एक साधु के नाते सभी को मैं विनय के साथ अपील करता हूँ। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा, कल से चैत्र नवरात्र का आरंभ हो रहा है। हमारे संवत्सर के अनुसार नई साल का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे मंगलमय अवसर पर इन नवरात्रि के दिनों में मैं सबसे विनय करना चाहता हूँ कि हो सके तो समूह में नहीं, परंतु अपने घर में अकेले बैठकर 9 दिन रामचरितमानस का पारायण करें। पूरा पारायण न हो तो जितना आपसे हो सके मानस का पाठ करें, क्योंकि रामचरितमानस विभुध बैद भव भीम रोग के, संसार के समस्त भव रोगों के, मानवीय मन के रोगों के और शरीर के रोगों का भी एक बहुत बड़ा सफल और शुद्ध वैद्य है। मैं ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब भाई बहन अपनी श्रद्धा के अनुसार हो सके, आप लोग कर ही रहे फिर भी, इस विशेष दिनों में कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उपरांत सुबह स्नान करते समय, शाम, सुबह, जब भी आपको अनुकूल हो सके तो रामचरितमानस अंतर्गत महाकाल के मंदिर में गाया गया रुद्राष्टक का पाठ करें, और हो सके तो शाम को सोने से पहले एक बार भुसुंडी रामायण का पाठ करें। भगवद गीता का
एक अध्याय अथवा तो जितने श्लोकों का आप पारायण कर सके हो सके प्रतिदिन करें। और श्रीमद् भागवत जी से जो मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं करता भी हूं, इसलिए पितामह दादा भीष्म ने जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, विश्व स्तुति का भी पारायण करें। और राम रक्षा स्तोत्र का स्व से लेकर सर्व की रक्षा के लिए पाठ करें। आप जिस धर्म के हो, जहां जिस इष्ट में, जिस ग्रंथ में, जिस बुद्ध पुरुष में, जिस मंत्र में, जिस नाम में आपकी रुचि हो, उसके मुताबिक आप अपनी साधना की पद्धति के अनुसार स्व से लेकर सर्व तक के मंगल के लिए कुछ न कुछ करें, ऐसी प्रार्थना। तीसरी बात, मैंने जो जो बातें कही हैं, इनमें से सब कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना आप कर सके। मैंने तो केवल सुझाव रखा है संवाद के रूप में, आप जितना कर सके इतना करें। शास्त्र तो चौक में डंके के साथ कहते हैं कि सबसे बड़ी औषधि परमात्मा का नाम है। आप सब जानते हैं रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। परमात्मा का कोई भी नाम आपकी आस्था के अनुसार आप हरि नाम का आश्रय करें। मैं इतना जरूर, मेरी गुणातीत श्रद्धा के आधार पर और गुरु कृपा से कुछ अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा कि मेरा भी कुछ अनुभव है राम नाम के बारे में। यदि आपको दृढ़ भरोसा हो तो जितना हो सके, जो भी आपका मंत्र हो, मैं कोई संकीर्णता से बात नहीं करता, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, राम नाम का खूब स्मरण करें। हमारे पास बहुत बड़ा अनुभूत आधार है। विश्ववंद महात्मा गांधी बापू, वो कहते हैं कि मेरे जीवन में आई और कई प्रकार की राष्ट्र के जीवन में आई विपत्तियों को मैंने राम नाम के बल पर निवारा है। राम नाम ने मुझे बहुत बल दिया है, मुझे बहुत इससे फायदा हुआ है। राम नाम एक बहुत बड़ी औषधि है। बापू के ही विचारों को आत्मसात करते हुए और अपनी प्रज्ञा के द्वारा जो खुद के अनुभव है वो हमारे समक्ष रखते हुए प्रज्ञा पुरुष विनोबा जी ने, आचार्य विनोबा जी ने भी हरि नाम पर बहुत बल दिया है। आप सब जानते होंगे कि बापू की समाधि पर राजघाट में हे राम लिखा है, जो आखिर में उसने उच्चारा था। विनोबा की समाधि पर पवनार में राम हरि लिखा है।
विनोबा जी ने भी परमात्मा के नाम की बड़ी महिमा गाई है, और मैं मोरारी बापू, मेरा भी कुछ गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अनुभव रहा। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो इष्ट देव हो उसी का नाम स्मरण खूब करे, घर में रहे, सरकार की सूचनाओं को सभी नए पालन करते हुए आदर दें, अब सब सूर्य को सुबह सुबह प्रणाम तो करते ही होंगे, हो सके तो सूर्य के ताप में 5 मिनट सूर्य नमस्कार के बहाने जल चढ़ाएं, सूर्य को नमस्कार करें, और तुलसी के गमले में जल सींच करके प्रार्थनामय चित्त से तुलसी के कुछ पत्तों का सेवन करें। ये भी एक नैसर्गिक निर्दोष उपचार है। आइए हम सब मिलकर इस वैश्विक विपत्ति से बाहर आने के लिए सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय और सर्वभूत प्रीताय अपने से जो हो जरूर करें। कल से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र की सभी को बधाई, शुभकामना। आखिर में जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रय सूल, जिसका नाम संसार के समस्त रोगों का औषध है, इंसान के तीनों शूलों को जो शमित करता है, ऐसा परमात्मा हम सब पर अनुकूल ही है। हम विशेष रूप में उसकी अनुकूलता महसूस करें। फिर एक बार आपने ध्यान से मेरी इस बातों को सुना, इसलिए मैं बार बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम, खुश रहो बाप, खुश रहो, जय सियाराम।